इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फितना और फसाद में इस तरह रहो जिस तरह ऊँट का वो बच्चा जिसने अभी अपने उम्र के 2 साल ख़त्म किए हों, कि ना तो उसकी पीठ पर सवारी की जा सकती है और ना उसके थनों से दूध दुहा जा सकता है। मकसद ये है कि इंसान को फितना और फसाद के मौके पर इस तरह रहना चाहिए कि लोग उसे नाकारा समझकर नज़रअंदाज कर दें और किसी जमात में उसकी शिरकत की ज़रूरत महसूस ना हो, क्योंकि फितनों और हंगामों में अलग थलग रहना ही तबाहकारियों से बचा सकता है। अलबत्ता जहां हक व बातिल का टकराव हो वहां पर गैर जानिबदारी जायज़ नहीं और ना उसे फितना और फसाद से ताबीर किया जा सकता है, बल्कि ऐसे मौक़ों पर हक की हिमायत और बातिल की सरकूबी के लिए खड़ा होना वाजिब है।